हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बताना ये फ्लावर कैसा है यार, इसकी गजब की स्मेल थी। मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स थे बट स्मेल बहुत ही प्यारी थी, एकदम परफ्यूम जैसी। इसको मैं टेबल पे रखी और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट आई रीड 100 पेजेस ऑफ बायोलॉजी इन अ डे। आई नो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि NEET 24 में हम लोगों ने 1 डे और 2 डे में भी ख़त्म किया था बायोलॉजी का एक टेक्स्ट बुक। बट मेरे लिए NEET 25 और रीनीट अगर होता है तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये, मतलब मोमेंटम गेन करना। तो मैं अपनी बुक लेकर बैठ जाती हूँ। ऑफ कोर्स मैं ओल्ड NCERT पढ़ रही हूँ और ओल्ड NCERT में 99 पेजेस एनाटॉमी का लास्ट वाला जो पेज है उस वहाँ तक आता है। न्यू NCERT का मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी तक बाय ही नहीं किया है। न्यू NCERT मैं बाई करूँगी जनवरी में, जब मेरा एक बार ओल्ड NCERT से सारी चीज़ें अच्छे से कवर रहेंगी। न्यू NCERT से मैं उसे एक बार फिनिशिंग दूँगी, अपने मार्किंग्स को न्यू मतलब NCERT में फाइनल मार्क करूँगी कि मुझे क्या नहीं याद है, उसके बाद वही रिवाइज़ करना होगा। बाकी मैं बायोलॉजी में नोट्स तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार वही चीज़ें तो लिखी हुई हैं, उसको वापस से लिखना क्या ज़रूरत है। उससे अच्छा अपने मार्किंग्स पे मतलब बुक नोट्स पे काफ़ी भरोसा रखो, उसको इस तरह से मतलब 2-3 बार पढ़ने के बाद ही नोट्स में डालो, मतलब मार्क करो। और मैंने लिविंग वर्ड स्टार्ट किया, लिविंग वर्ड को तो मैं NEET 25 के लिए भी कम से कम 4 से 5 बार पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे वो चीज़ तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर थी। मैंने मार्किंग्स को और टेबल्स को एक बार अच्छे से पढ़ा और ये काफ़ी जल्दी हो गया था। टैक्सोनॉमिक एड वाला तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से जो अपने मार्क थे वही पढ़ी। उसके बाद मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आई, उसको मैंने पढ़ा तो वो तो मुझे यार सिर्फ फंजाई वाला टॉपिक थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसको भी अपने मार्किंग्स से पढ़ा। और फिर मैं एक चैप्टर ऐसा आता है प्लांट किंगडम जिस पे मुझे कभी भरोसा नहीं होता, पता नहीं क्यों यार, मुझे बायोलॉजिकल पसंद है, प्लांट किंगडम नहीं पसंद है। और फोटोसिंथेसिस, ये तो चैप्टर्स तो मुझे वापस से ही पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद तो जेनेटिक्स वाला सबको पता ही है कि वो तो यार है ही ये पढ़ने वाला, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने प्लांट किंगडम को NCERT लाइन टू लाइन पढ़ा, अपनी बिल्कुल भी मतलब नहीं उस तरीके से नहीं किया कि सिर्फ मार्किंग पढ़ूं। और उसके बाद फिर अनलाइक अदर्स नेक्स्ट चैप्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर आता है, दैट इज़ एनिमल किंगडम। और उसकी पता है मुझे क्या पसंद है, उसमें मुझे ना जो एग्जांपल्स होते हैं उनका नाम काफ़ी बढ़िया लगता है बोलने में, तो मैं उसको बोलते बोलते ही याद कर डाली थी यार, कितना बढ़िया लगता है वो। और इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, अगर आप एक बार ट्रिक से समझ लो तो कुछ है भी नहीं। और NCERT में मैं एनिमल किंगडम में बहुत कम ही बार पढ़ी हूँ क्योंकि मुझे NCERT से ज़्यादा अपने मार्किंग्स पे भरोसा रहता है। मतलब अब क्या मैं सेगमेंटेशन का फॉर्मूला, सेगमेंटेशन का डेफिनेशन पढ़ूँ, उससे अच्छा है मैं हाँ जानती हूँ सेगमेंटेशन क्या होता है, आगे बढ़ जाती हूँ, हाँ एग्जाम्पल्स याद करती हूँ एक बार, अच्छे से बोलने में मज़ा आता है और उसके बाद लिख लिख के याद करती हूँ। उसके बाद मैंने मॉर्फोलॉजी किया था, मॉर्फो में मतलब लाइन टू लाइन ही किया। और फिर मैंने एनाटॉमी किया, भाई मेरा बीच में टैबलेट भी पता नहीं कैसे, मतलब मैंने क्लॉक टाइमर लगाया था और बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मैं आधे पे चार्जिंग पे लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं एनाटॉमी करती हूँ, तो एनाटॉमी में ज़्यादा चैप्टर्स मतलब ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं, ईजिली हो गया था। और ये मेरे 99 पेजेस हो गए थे और 1 पेज मैंने अपने तब से ऐड कर लिया क्योंकि मैंने आंट्समायर वाला भी पढ़ा हुआ था, वो छोटा सा पैरा। बाकी ये सब करने में मुझे अप्रॉक्स ज़्यादा टाइम नहीं बट 8 आवर्स लग गया था और मुझे लगा यार मेरी सिटिंग कैपेसिटी से तो काफ़ी अच्छी हो गई है। फिर देखिए रीनीट हो या ना हो, व्हाट्स गोइंग ऑन नहीं पता है, पर पढ़ते रहो ऑल टाइम। थैंक यू और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।